तो आप देख सकते हैं जो आयरन का ये करीब 240 किलो का है, अगर इसको कोई भी एक हाथ पे उठा ले तो उसको इस किले के अंदर नौकरी मिल जाएगी। 12 साल एक इंसान को ऐसी जगह बंद कर देना और खाना भी ऊपर से आ रहा है, पानी भी ऊपर से आ रहा है, आपको इतने तकलीफ में रखा जाए, ये बहुत बहुत खतरनाक सजा थी। ये जो दिख रहा है आपको अंदर, ये एक मिलिट्री बैरिक है, ये पूरा मिलिट्री बैरिक है। जब आम जनता ज्यादा राजा से मीटिंग करने के लिए आती थी तो यहाँ चेकिंग होती थी और फिर बाद में ऊपर उन भेजा जाता था। और ये जो बना हुआ है लाइम स्टोन से बना हुआ है, चूना और लाइम स्टोन से, उसके वजह से यहाँ है ना ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। दोस्तों जो मेरे पीछे मस्जिद है ये इब्राहिम मस्जिद है, ये बनाया था सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने, और इसका ही पैटर्न सेम कॉपी करके जो उनके बेटे थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने चार मीनार बनाया था। ये जो मस्जिद है ये सिर्फ जो मस्जिद बादशाहों की नमाज पढ़ने के लिए थी, आम इंसान की नमाज पढ़ने के लिए नीचे मस्जिद बनाई गई थी, तो ये बहुत ऊपर एकदम टॉप पे सिर्फ ये बादशाहों की मस्जिद है और इसका एक पैटर्न देख के चार मीनार को बनाया गया था। आप देख सकते पूरा ऊपर उसका जो है यानी जो मीनारे है चार मीनार, तो इससे इंस्पायर होकर उनके बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया गया था। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है देखने के लायक। ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद की एंट्रेंस है, जो जो बादशाह यहाँ आके नमाज़ पढ़ते थे, सिर्फ बादशाहों की मस्जिद थी, इब्राहिम कुतुब शाह इब्राहिम मस्जिद नाम है इसका। ये फ़िलहाल अभी तो बंद हो चुकी है, ये एकदम आप देख सकते हैं फुल टॉप पर है, एकदम ऊपर, ये अभी बंद है, यहाँ कोई नमाज़ होती नहीं है, मगर उस टाइम पर यहाँ सिर्फ बादशाह ही नमाज़ पढ़ते थे। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेयर्स और जो पायरे दिख रहे हैं आपको आने के लिए, ये सिर्फ है ना मंत्रियों के लिए, आम पब्लिक के लिए आने का था, और जो वो उधर वाला रास्ता है जिधर से हम आए वो सिर्फ सिपाहियों के लिए था। तो यहाँ करीबन तीन रास्ते थे, एक राजा के आने के लिए, एक सिपाहियों के आने के लिए, और एक जो मंत्री है जो आम जनता है उनके आने के लिए। यहाँ आके आपके स्टेयर्स दे सकते हैं, जो पायरी है वो लंबी लंबी इसलिए है क्योंकि वहाँ घोड़े से आसानी से मंत्री आ पाए ऊपर, जो उनकी मीटिंग हो, जो फैसले होते जो ऊपर, तो उसके वास्ते। तो ये एक अलग रास्ता है सिर्फ मंत्रियों के और आम पब्लिक के, आम जनता के लिए आने के रास्ते। आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स और पायरे बहुत लंबे और आसानी से घोड़ों से आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे है रामदास की जेल। रामदास की जेल इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि जो बादशाह के तहसीलदार थे, कैशियर थे, वो उनका नाम था रामदास, और उन्होंने राजा से बिना पूछे उनका पैसा खर्चा कर दिया था अपने पर्सनल यूज़ में, तो उनको सज़ा दी गई थी। उनको सज़ा इसलिए दी गई थी, ये जो पीछे दिख रहा है ये पहले गोडाउन था सिर्फ, मगर उनको पकड़ के इसके अंदर 12 साल नज़रबंद कर दिया गया था, और 12 साल नज़रबंद करे बाद उनको ऊपर से खाना और पानी दिया जाता था। ये पूरे दीवारें थी, ये दरवाज़ा नहीं था उस टाइम पे, उधर सिर्फ एक दरवाज़ा था आने का। ये आप देख सकते हैं ऊपर दिख रहा है आपको विंडो टाइप, जो नीचे खाना देने के लिए था और सिर्फ ये खाना दिया जाता था। तो उनको इतनी बड़ी सज़ा दी गई थी, शायद उनको मारा नहीं गया मगर कुछ नहीं करा गया, पर ऐसी सज़ा दी गई जो उनको बहुत तकलीफ दे और बहुत परेशान थी कि 12 साल एक इंसान को ऐसी जगह बंद कर देना और खाना भी ऊपर से आ रहा है, पानी भी ऊपर से आ रहा है, आपको इतने तकलीफ में रखा जाए, ये बहुत बहुत खतरनाक सज़ा थी। तो ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है, आप इधर से देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं डायमंड मार्केट, नगीना गार्डन। यहाँ जो जो हीरे होते यहाँ उनका व्यापार हुआ करता था उस टाइम पे, जो अलग अलग देशों से आते थे, राजा ने इनको यहाँ व्यापार करने की अनुमति दिया था और वो यहीं रहते थे, उनको घर भी दिया गया था क्योंकि यहाँ मार्केट था डायमंड का उस टाइम पे बहुत बड़ा। और जो कोहिनूर हीरा भी है वो भी गोलकुंडा फोर्ट का था, और जो पूरा जो डायमंड मार्केट है जो उस टाइम का, जो बड़े ईरान से बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते थे व्यापार करने के लिए, और यहाँ बहुत बड़ा व्यापार होता था डायमंड्स का। तो इसको आज तक ये है, आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत है, उस टाइम पे कैसा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो मार्केट ख़त्म होने के बाद जो रानी, जितने भी रानियाँ रहते थे उनके लिए यहाँ जो दो ऊपर देख रहे होंगे ये साइड में और ये साइड में, ये झूला हुआ करता था, तो रानियाँ यहाँ झूला झूलते थे और यहाँ नीचे पानी हुआ करता था, अगर वो गिरे भी तो पानी में गिरे उनको चोट ना लगे, गुलाब का पानी हुआ करता था और वो एसी के जैसा काम करता था उस टाइम में, जो उससे पूरा ठंडक रहता था। तो ये यहाँ रानियाँ झूला झूलते थे और यहाँ गुलाब का पानी नीचे रहता था, तो वो अगर गिरे भी तो उनको चोट ना लगे। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, सामने आप देखेंगे डायमंड मार्केट, और इधर साइड आप देखेंगे बहुत बड़ा यानी रानियों के यानी एंटरटेनमेंट के लिए आप सोच सकते हैं, जो उस टाइम पे ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट तो था ही नहीं। तो यही चीज़ थी
तो उस तरह से इस किले को डिजाइन किया गया था, उस तरीके से इसको बनाया गया था, जैसे हर तरह की लग्जरियस लाइफ, लेविश लाइफ राजाओं को, रानियों को, बादशाहों को, इन सबको आसानी से मिले। उस टाइम के जो मिनिस्टर्स थे, अकरना और मंजरना दोनों भाई थे कुतुब शाह के टाइम पे, तो ये इनका ऑफिस था। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो रखे हुए यहाँ, ये पर्दों से इसको कवर कर देते थे, और इस टाइम पे कवर कर देते थे। और पीछे आप जो देख रहे हैं उस टाइम पे ये अलमारी सिस्टम है, या अलमारी सिस्टम में यहाँ सामान रखा जाता था उस टाइम पे। और पीछे जो था वो एक फ़ैन था, जो फ़ैन के ऐसा काम करता था, पर्दा उसको खींचो तो वो फ़ैन के ऐसा हवा उधर से आती थी और यहाँ ठंडा रहता था। तो ये मिनिस्टर्स का ऑफिस था। दोस्तों आप, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये था रानी का मेकअप रूम। हाँ, रानी ये रूम में मेकअप करती थी, और ये था पानी जो गुलाब के पानों से हाथ मुंह धोती थी और वहाँ जाके मेकअप करती थी। वहाँ दो मिरर थे और पूरा वहाँ जो उस टाइम पे मेकअप का सामान होता था वो सब था, और ऊपर से पूरा सजाया हुआ था। और उस टाइम पे ये किसको यहाँ आना अलाउ नहीं था। और ये आप देखेंगे ये साइड पे, ये रानी का ड्रेसिंग रूम था, ये पूरा ड्रेसिंग रूम था, यहाँ किसी को अलाउ नहीं था। मगर जब कुतुब शाह और औरंगज़ेब की जंग हुई, तब औरंगज़ेब बादशाह ने ये पूरा तोड़ के चले गया। तो जब से ये लोगों को पता चला कि इस तरह का मेकअप रूम और इतना अच्छा आलीशान लेविश लाइफस्टाइल से रानी को रखा जाता था। तो आप देख सकते हैं ये जो आयरन का, ये करीब 240 किलो का है। अगर इसको कोई भी एक हाथ में उठा ले तो उसको इस किले के अंदर नौकरी मिल जाएगी, और उसको 240 किलो राशन हर महीने का मिलेगा, और एक रूम मिलेगा, और उसको सेना में जो लड़ाई के वास्ते पूरा उसको हथियार दिया जाएगा। तो उस ज़माने पे जो सिलेक्शन होता था, तो इस ऐसा होता था जो एक हाथ से 240 केजी का अगर उठा ले तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो मैं उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, उठाना तो दूर, हिलने को भी खाली नहीं है, इतना भारी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टाइम पे किस तरह के लोग होते होंगे जो इतना भारी भारी एक हाथ में उठा लेते होंगे, क्योंकि वही लोग रहे होंगे जो इतनी बड़ी उन्होंने किला बनाए होंगे। इतना आसान नहीं है इतना बड़ा किला और इतना बनाने के लिए, क्योंकि तीन पीढ़ियाँ चले गई ये किले बनाने के लिए सिर्फ। तो ये गोलकोंडा का किला एक अनोखा प्राइम एग्जाम्पल है, जो कि आज के तारीख में भी जो शायद ही बहुत गिने चुने किले होंगे अपने इंडिया में, उसमें से एक ही है।